नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भारत में कैसे काम करता है और इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, अमेरिकी मॉडल से समझिए। 17 मई 2019 को एक खास घटना ने हमें यह दिखाया कि अक्सर वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हमारे पास तत्व छीनता होती है और हम आपातकालीन स्थितियों का सही तरीके से सामना कर पाते हैं। इस घटना का संबंध अमेरिका के जेफरसन सिटी के एक ट्रक चालक डेविड बेल के साथ था, जो उस दिन अपने ट्रक के साथ सड़कों पर चल रहे थे। उनका मोबाइल फोन एक दिन बदल दिया और उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए बड़े बहादुरी से काम किया। 17 मई 2019 को डेविड बेल अपने ट्रक के साथ अमेरिका के जेफरसन सिटी से गुजर रहे थे। उनके मोबाइल में अचानक एक बीप के साथ इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि एक भीषण चक्रवाती तूफान शहर तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है। इमरजेंसी मैसेज को देखते ही डेविड ने अपना ट्रक खड़ा किया और जमीन पर लेट गया। बिल्कुल ही अगले कुछ सेकेंड्स में भीषण आंधी चलने लगी और बिजली की चमक आई। ट्रक का पिछला हिस्सा तेज झोंकों से उड़ गया और केबिन की शीशा भी टूट गई। डेविड ने बाद में बताया कि अगर इमरजेंसी अलर्ट नहीं आया होता तो शायद उनकी जान नहीं बचती। अमेरिका में इस तरह के इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का शुभारंभ 2012 में हुआ था और तब से दर्जनों मौकों पर इसका उपयोग किया गया है। अब भारत सरकार भी एक समर्पित सिस्टम तैयार करने के लिए प्रयासरत है। 14 से 15 सितंबर को करोड़ों मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट का परीक्षण किया गया था, जो इस प्रयोग का हिस्सा था। हम जानेंगे कि मोबाइल पर आया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करता है और इसका कहां उपयोग किया जाएगा। भारत में यूजर्स के फोन पर क्या मैसेज भेजा जा रहा है। भारत के मोबाइल फोन यूजर्स के साथ दूर संचार विभाग रैंडम टेस्टिंग मैसेज भेज रहा है, जिसमें तेज बीप की आवाज के साथ इमरजेंसी अलर्ट सीवर लिखा होता है। इसके साथ ही यूजर्स को ये मैसेज इग्नोर करने के लिए भी कहा जाता है। इस मैसेज में साफ साफ लिखा होता है कि इस मैसेज को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का हिस्सा है। अभी ये मैसेज सिर्फ टेस्टिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। इस तरह के मैसेज को भेजने का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा को बढ़ाना और समय रहते लोगों को आपातकालीन अलर्ट भेजना है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में मोबाइल पर ये मैसेज भेजे जाते हैं। भारत में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की जरूरत क्या है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2022 के अनुसार प्राकृतिक आपदा के लिए भारत को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खतरे वाला देश बताया गया है। इस रिपोर्ट में प्राथमिक रूप से फिलीपींस को पहला स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भारत में 11 बड़े शहर भूकंप के दृष्टिकोण से सबसे अधिक संवेदनशील है, जिनमें करोड़ों लोग बसे हुए हैं। इन शहरों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है और इसके साथ ही बड़े आकार की निगरानी चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक 2022 में पूरे देश में एक्सट्रीम वेदर की वजह से 2770 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 1580 लोगों की मौत कथित तौर पर बिजली गिरने और तूफान के चपेट में हुई है, जबकि 1050 लोगों की मौत बाढ़ और भारी बारिश के कारण हुई है। यही वजह है कि भारत सरकार की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ऐसी तकनीक पर काम कर रही है, जिससे सही समय पर लोगों तक आपदा के संबंध में जानकारी और जरूरी सूचना पहुंच सके। इस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बातों की जानकारी, जांच, परिवारान का प्रसारण और वैक्सीनेशन की जानकारी देने में सहायक हो सकता है। यह वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम अमेरिका में बड़े पैमाने पर काम करता है। टीवी और रेडियो पर जारी होने वाले इमरजेंसी अलर्ट से वायरलेस मैसेजिंग कैसे अलग है। किसी आपदा के दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए अब तक टीवी, रेडियो और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी भी स्थानीय स्तर पर घटनाओं की जानकारी और अलर्ट जारी करके लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। रात के समय जब लोग सोते हैं, इमरजेंसी की स्थिति में उन्हें टीवी और रेडियो के माध्यम से अलर्ट करना मुश्किल हो सकता है। आजकल करीब 120 करोड़ भारतीय मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं। वायरलेस मैसेजिंग के माध्यम से रात के समय भी तेज बीप की आवाज के साथ अलर्ट करके लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस सिस्टम की विशेष बात यह है कि यह स्मार्टफोन के साथ साथ सामान्य कीपैड वाले फोन में भी काम कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।